बिहार में, झारखंड में, नेपाल में और यूपी में। शायद से 22 तारीख का डेट होगा मुंबई का, क्योंकि 22 से यहाँ पर सिनेमा घर खुल रहे हैं। गुजरात 15 तारीख से जी। प्रदीप जी, क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं फिल्म के रिलीज को लेकर? क्योंकि बड़ी फिल्म है तो इसके लिए रिलीज की जो तैयारियां हो वो भी ग्रैंड ही होंगे। हाँ बिल्कुल, सारे जगह हमारे थिएटर्स बुक हैं, और जो इन्होंने पराग जी ने बताया अभी सारे स्टेट के बारे में, सब जगह हमारा पूरी तरीके से है। किसान जी, क्या प्रमोशन करने जा रहे हैं, थिएटर्स में विजिट करेंगे जैसे पहले होता था? ज्यादातर थिएटर्स में आर्टिस्ट जाते थे सारे और इंटरेक्ट करते थे ऑडियंस के साथ, वैसा होगा? देखिए, कुछ सिनेमा होते थे जो सिनेमा उस लायक नहीं बनती है, कभी कभी आदमी प्रमोट करता है, कुछ सिनेमा ऐसी बन जाती है कि हमारे बीच की समस्या होती है। और कोविड को ध्यान देते हुए, सबके अपने जीवन का बचाना है, तो कोविड के सरकार की भी हमें परमिशन बहुत कम मिल पाती है कि हम कहीं जा पाएँ, और हम जाते हैं तो भीड़ ज़्यादा होती है और संभाल नहीं पाता आदमी। तो मैं देखता हूँ कितनी समस्या है, कितनी क्या चीज़ें हैं, अगर हमें परमिशन मिल जाता है तो मैं ज़रूर लोगों से मिलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि उनके बीच में जाकर मैं अपने दुखों को सुनाता हूँ, अपनी की हुई चीज़ों को बताता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके बीच में जाऊँ। लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रतिक्रिया हो जाती है, आज के कोविड जब से आया है तब से बड़ा कुछ सोच के करना पड़ता है, भीड़ वाली जगह पर हमें थोड़ा सा रोक रहता है कि आप नहीं जा सकते, कार्यक्रम के भी लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोविड जब तक मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि भाई भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी और शायद कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, वो कहीं ना कहीं शायद उन्हें नुकसान पहुंचे। आपकी ही फिल्में बैक टू बैक रिलीज हो रही है, जब से फिर से थिएटर खुला है उसके बाद आपकी ही फिल्में, खेसारी लाल की फिल्में रिलीज हो रही है, बहुत ज्यादा ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, इस पे आपकी रिएक्शन? देखिए, ऑडियंस क्या होती है कि हमारे जैसे मंदिर का गेट खुलता है, तो मुझे लगता है कि मंदिर जो है वो सिनेमा हॉल हो गया, और उसमें भगवान आता है, भगवान आता है अपने भक्त से मिलने। तो भक्त जहाँ देखिए, होता क्या है कि इस दुनिया में भक्त से, भगवान से भी बड़ा भक्त होता है, क्यों जहाँ चाहता है अपने भगवान को बुला लेता है। तो हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है जो हमारे लिए, हमारे भगवान हमेशा हॉल के दरवाजे पे आते हैं और हमें श्रद्धा का फूल और आशीर्वाद चढ़ा कर जाते हैं। तो मैं लगातार चोरी चोरी चुपके चुपके का भी बहुत बड़ा इनिशियल रहा, बाप जी का बहुत बड़ा इनिशियल रहा, और हमारे, मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा भी उससे बहुत बेहतर होगी, क्योंकि उसमें एक बाप बेटे की समस्या थी, चोरी चोरी चुपके चुपके में एक बिगड़े लड़के की समस्या थी जी हमारे घर की, जो लंदन में रहते हैं उनको लगता है कि नहीं बीर बार ही बहुत कुछ है ये चीज़ें, तो उस समस्या से सुलझी हुई और उलझी हुई वो कहानी थी। ये है एक किसान का समस्या है, तो ये पूरे देश की समस्या है। तो हम, मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जब भी कोई काम करूँ तो उसमें समस्या ऐसी हो जिससे उभरा जाए, और ये दुनिया को पता चलने चाहिए कि हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है, और हमारा खास करके बिहार राज्य जहाँ पे रोजगार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश, और हमें दुनिया प्यार इतनी देती है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने राज्य के लोग की समस्या पूरी दुनिया को दिखाए। खेसारी जी, जहाँ तक आपने बात की